हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आर डे विद यास्मीन। आज मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छा एक प्रोडक्ट के रिव्यू के बारे में बताऊंगी और इसका जो बेनिफिट्स है वो आप लोगों को बताऊंगी। तो ये है बेबी हग का हीट सेंसिटिव स्पून। ये दो स्पून का सेट है जो हीट सेंसिटिव है। तो आप लोगों को ये हीट सेंसिटिव से समझ आ रहा है कि ये हीट से कुछ चेंजेस होता है और ये हीट को सेंस कर सकता है। ये BPA फ्री है और बेबी हग ब्रांड का है और ये बेबी के लिए बहुत ही अच्छा एक प्रोडक्ट है। ये बेबी फ्रेंडली है तो बेबी के लिए ये बहुत ही अच्छा है। आप इसको बेबी को 6 मंथ्स के बाद जो फूड स्टार्ट करते हैं उसमें इसको यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट तो ये हीट सेंसिटिव है, ये हाइजीन बेस है, ड्यूरेबल एंड बेबी फ्रेंडली है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है बेबी के प्रोडक्ट के लिए। ये सिलिकन बेस है तो बेबी के लिए ये बिल्कुल सेफ है एंड बेबी खुद से भी इससे फूड फीड कर सकते हैं या आप भी अगर एज ए पेरेंट्स उसको फूड फीड करा सकते हो तो इससे आराम से फीड करा सकते हो। आप चाहे तो इसको बेबी के फर्स्ट स्पून सेट के हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हो बेफिक्र होके, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा एक प्रोडक्ट है बेबी के स्टार्टिंग के फीड के लिए। का बहुत सारा कलर ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ये ब्लू, पिंक और ग्रीन में मिल जाएगा। इसमें मुझे 185 पे ये मिला है जिसका एक का प्राइस पड़ता है 92.50 और आपको इसके ऊपर फर्स्ट क्राई में बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा क्योंकि मैंने ये फर्स्ट क्राई से परचेस किया है। बेबी को फूड फीड कराने से पहले हम लोगों को ऑलवेज इसका टेम्परेचर चेक करना पड़ता है क्योंकि थोड़ा सा भी गर्म हम बेबी लोगों को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जितना गर्म हम लोगों को लगता है ये नॉर्मल है वो बेबी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा होता है। तो बेबी कितना टेम्परेचर तक फूड ले सकते हैं, फीड कर सकते हैं, ये जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। जितने सारे नए मम्मीज़ होते हैं उन लोगों के ये कन्फ्यूजन रहता है कि हम लोग बेबी को कितना गर्म फूड खिला सकते हैं, तो ये स्पून उसके लिए बेस्ट है क्योंकि जब हम लोगों को समझ नहीं आया कि ये टेम्परेचर बेबी के लिए परफेक्ट है कि नहीं, बेबी के लिए अप्रोप्रिएट है कि नहीं, तब ये स्पून बिल्कुल वहाँ पे काम करने वाला है। तो ये स्पून अगर आप बेबी को जो फूड दे रहे हैं वो गर्म है और वो बेबी के लिए परफेक्ट नहीं है तो ये स्पून अपने आप उस फूड में देने से कलर चेंज कर देगा। और अगर टेम्परेचर इस लेवल पे है जो बेबी के लिए अप्रोप्रिएट है तो ये स्पून अपना कलर चेंज नहीं करेगा। तो आप समझ जाइएगा कि बेबी को अभी ये फूड हम दे सकते हैं। तो ये नए मम्मीज के लिए बहुत ही अच्छा एक सॉल्यूशन है एंड टेंशन फ्री का एक काम है। तो आराम से आप बेबी को फूड फीड करा सकते हो, इसका टेम्परेचर इसे चेक करा सकते हो। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है और इसका क्वालिटी बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, बेबी लोगों के लिए परफेक्ट है। एंड इसका साइज़, इसका जो स्पून का साइज़ है ये बहुत ही कंफर्टेबल है बेबी के लिए क्योंकि ये बेबी के मुंह के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप अपने बेबी को 6 मंथ से स्टार्ट कर रहे हो फीड कराना तो उसके लिए ये इसका जो स्पून का साइज़ है ये बहुत ही परफेक्ट है। एंड इससे इनफैक्ट बेबी अगर खुद फूड फीड करना चाहते हैं तो वो भी ये बेबी कर सकते हैं। एंड ये बहुत ही हैंडी है बेबी के लिए एंड बहुत ही अच्छा एक क्वालिटी का स्पून है। तो चलिए अब इसका हीट सेंसिटिव का डेमो देके आप लोगों को दिखाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पैन में नॉर्मल टेम्परेचर का वाटर लिए हैं और उसमें देखिए स्पून को डाल रहे हैं तो स्पून का कलर एज इट इज़ है। अभी मैं इसी पानी को थोड़ा सा बॉईल करूँगी और उसके बाद थोड़ा सा गर्म करूँगी और उसके बाद आप लोगों को दिखाऊँगी कि ये स्पून कैसे रिएक्ट करता है। तो अभी मैं गैस ऑन कर दी हूँ और पानी को अच्छे से गर्म कर रही हूँ और उसके बाद मैं वही स्पून को इस पानी के अंदर डाल रही हूँ और आप लोग नोटिस कर सकते हैं इमीडिएटली स्पून का कलर जो है बिल्कुल येलो हो चुका है ग्रीन से। तो स्पून का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। तो इससे आप समझ जाइएगा अगर कलर चेंज हो रहा है तो वो फूड आप अपने बेबी को नहीं दे सकते हैं और अगर कलर एज इट इज़ रहता है तो आप वो फूड अपने बेबी को आराम से दे सकते हैं, उसमें बेबी को कोई तकलीफ नहीं होगा। अगर आप लोगों को ये प्रोडक्ट अच्छा लगा आप लोग भी इसे परचेस कर सकते हो और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।